कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इन टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस वाई। एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। हमको यहाँ पे फाइंड करना है स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स, स्मॉल एफ ऑफ वाई वाई, एंड एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो चेक करना है, और फाइंड करना है लिमिट प्रोबेबिलिटी फॉर 1 <x>3 1 <y>2 के लिए। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या फंक्शन दिया हुआ है? कैपिटल में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉल फंक्शन में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले कैपिटल को हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स में। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एफ अपॉन 2x dy। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स डी एफ बाय डी वाई। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? y का। f कैपिटल f हमको दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं डी बाय डी एक्स इंटू डी बाई डी वाई 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस वाई। 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ई रेस टू माइनस वाई का हो जाएगा ई रेस टू माइनस वाई। तो हमारे पास बचेगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू e रेस टू माइनस वन। इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू s x डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का हो जाएगा 0 एंड e रेस टू माइनस x का हो जाएगा e रेस टू माइनस x, और माइनस x का होगा माइनस 1, माइनस 1 आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे बचेगा e रेस टू माइनस x इंटू ई रेस टू माइनस वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो। तो ये मिल गया हमको एफ ऑफ एक्स वाई, हमको मिल गया ई रेस टू माइनस एक्स प्लस। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमको मिल गया, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला था स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स। जब एक्स लेते हैं तो इंटीग्रेशन किसका करते हैं हम? वाई का। इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा जीरो टू इनफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई, ई रेस टू माइनस वाई का होगा ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1, माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट करनी है हमको सिर्फ वाई की जगह पे, इन्फिनिटी माइनस जीरो, यानी कि ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ये होता है जीरो, बचा क्या? ई रेस टू माइनस। अभी सिमिलरली हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ वाई वाई।
चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एफ ऑफ वाई वाई, जब वाई लेते हैं तो किसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, एक्स का। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का होगा ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा माइनस वन, माइनस आगे आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह पे, माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी प्लस ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट जीरो। तो हमको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों की वैल्यू मिल गई। अभी उसके बाद हमको शो करना है कि दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। उसके लिए क्या होता है, अगर वो इंडिपेंडेंट है यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या दी थी, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई ई रेस टू माइनस वाई। चलिए ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई हमको मिलता है जो कि एक फंक्शन है, यानी कि एक्स एंड वाई दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। चलिए उसके बाद अगर दोनों की वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री, वन लेस देन वाई लेस देन टू, दोनों के लिए। चलो दोनों को इंडिविजुअल ले देते हैं एक्स एंड वाई के लिए। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट है वन टू थ्री एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन टू टू एफ ऑफ वाई वाई डी वाई। चलिए दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन वन टू थ्री ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन टू टू ई रेस टू माइनस वाई डी वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स का हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, अपॉन आएगा माइनस वन तो माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स वन टू थ्री इंटू सिमिलरली फॉर दिस वन ई माइनस ई रेस टू माइनस वाई वन टू टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि थ्री माइनस टू अप्लाई कर देते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस टू प्लस ई रेस टू माइनस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, ई रेस टू माइनस फाइव माइनस ई रेस टू माइनस फोर माइनस ई रेस टू माइनस थ्री माइनस ई रेस टू माइनस टू। तो ये हो गई हमारी वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री एंड वन लेस देन वाई लेस देन टू के लिए।